नमस्कार, मैकेनिक रोहित यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आप लोग के पास स्कूटी गाड़ी होगा, जिन किसी के पास जो स्कूटी गाड़ी होगा और माइलेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है स्कूटी में, एयर फिल्टर वगैरह ये सब खराब हो जाने से जो है माइलेज बहुत ज़्यादा कम जाता है, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे ठीक करेंगे उसको। तो आइए हम 5-6 ऐसा ट्रिक जो है आपको हम बताने जा रहे हैं जो आप लोग अपना स्कूटी का आराम से माइलेज को बढ़ा सकते हैं और किसी भी मैकेनिक से काम करवा के ठीक करवा सकते हैं। तो हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जो आने वाला कोई भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो होगा आप लोग को नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो चलिए इसमें हम स्कूटी को खोलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या काम करवाना ज़रूरी होता है जो आपका गाड़ी माइलेज सही देने लगेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्कूटी का जो कोई भी स्कूटी होगा उसमें चौक दिया होगा। यदि चौक जिसमें दिया होगा तो इसका चौक का वायर को चेक करना है कि ये चौक वायर ख़राब तो नहीं हो गई। यदि ये चौक वायर ख़राब हो जाती है तो देखिए यहाँ पे ये चौक लगा हुआ रहता है। देखिए यहाँ से हम यूज करेंगे चौक को, हम देखिए खींच रहे हैं, तो देखिए चौक खींचे तो ये चौक काम किया और इसको डाउन करते हैं तो ये न्यूट्रल पोजिशन में आ गया। देखिए ये जो चौक है, देखिए यहाँ पर इतना प्ले नज़र आ रहा है, तो प्ले नज़र आ रहा है तो ये चौक केबल सही है। और ज़्यादातर गाड़ियों में चौक केबल ख़राब हो जाने के बाद ये टाइट हो जाता है, ये इतना पर आ जाएगा। जैसे जैसे ये टाइट होगा तो ये आगे की तरफ आएगा, तो ये आगे की तरफ आ जाने से चौक में आपका गाड़ी चलने लगेगा और स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी करेगा और एक्सीलेटर छोड़ने के बाद आपका बाइक जो है बंद हो जाएगा। ये ऐसा प्रॉब्लम होगा और स्टार्टिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपको। तो पहला चीज़ ये चेक करना है और दूसरा चीज़ हम बताते हैं आपको, जो भी स्कूटी में ये चौक लगा हुआ है उसको ये चेक कर लेना है। तो चलिए दूसरा हम आप लोगों को बताते हैं। तो दूसरा ये है जो इसका एयर फिल्टर का वो चेक करना है। यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, इसको आसानी से ये सॉकर वाली बोल्ट को 12 नंबर बोल्ट इसमें लगा हुआ रहता है, यहाँ से इसको खोल लेंगे। ईटा उटा पर चाहे रैंप है तो रैंप पर लगा कर और नीचे डाउन कर लेना है, कोई भी चीज़ खोलने का ज़रूरत नहीं है, ये खुल जाएगा आसानी से। देखिए अब नीचे आ गया है और ये स्क्रू जो है यहाँ से हम स्क्रू को खोल लेते हैं और इसमें चेक करना है कि एयर फिल्टर इसका सही है या नहीं। यदि सही नहीं है तो तुरंत इसको चेंज करवाना चाहिए। और देखिए कंपनी भी यहाँ पर लिख कर दिया है, देखिए नोटिस में यहाँ पे दिया है, डू नॉट क्लीन एयर फिल्टर, रिप्लेस इट अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस शेड्यूल। इसको जो है आपको मेंटेनेंस करना है और यदि ये सही नहीं है तो इसको चेंज करना है। तो चलिए इसको खोल के हम देखते हैं, एयर फिल्टर ख़राब तो नहीं है। बहुत ज़्यादा माइलेज का समस्या है ये गाड़ी में। तो देखिए ये एयर फिल्टर है, ये पूरी तरीका से ये डस्ट वगैरह खाकर पूरा ख़राब हो चुकी है। देखिए इसको क्लीन नहीं करना है, कंपनी यहाँ पर लिख कर भेजता है डायरेक्टली इसको चेंज कर देना है, 6000 किलोमीटर 7000 किलोमीटर पर इसको चेंज कर देना है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया, जो ये सही रहेगा तो आपका गाड़ी का माइलेज सही और आवाज़ भी सही रहेगा और टांग पिकअप भी अच्छा रहेगा। तो चलिए तीसरा ट्रिक, स्पार्क प्लग जो होता है जो करेंट बनाता है उसको भी चेक करना है। तो यहाँ से स्क्रू ड्राइवर से इसको खोल लेना है, देखिए स्क्रू ड्राइवर से ये वाला हम खोल लेंगे। और होंडा की जितना भी बाइक है उसमें ये दिया हुआ रहता है, हर बाइक में ये ग्राजिया हमारे पास बाइक है तो इसमें हम करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। और एक्टिवा, ग्राजिया, कोई भी आपके पास स्कूटी होगा उसमें ये काम कर सकते हैं, 100% आपका सही होगा माइलेज। तो देखिए स्क्रू दो नीचे यहाँ रहता है, ये दोनों स्क्रू को हम खोल लेंगे और आसानी से इसको निकाल लेंगे। देखिए ये खुल गया है और यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ प्लग का ये कैप लगा हुआ है, आप लोग इसको निकाल कर और प्लग टूल्स जो होता है इससे खोल लेंगे। इसको खोलने में थोड़ा सा परेशानी होती है। खुल गया है और हाथ से आसानी से इसको खोल लेना है और इसको चेक करेंगे कि प्लग इसका जो है करंट सही फायर दे रही है कि नहीं। प्लग ख़राब हो जाने से आपका गाड़ी स्टार्ट होगा मगर करंट जितना चाहिए तेल को आग लगाने में उतना नहीं मिलेगा, तो आपका गाड़ी जो है माइलेज बहुत कम देगी, पेट्रोल का खपत ज़्यादा होगा। ब्लास्ट करने में ये मदद करता है पेट्रोल को, तो ये यदि ख़राब होगा तो आपका माइलेज सही नहीं आएगा गाड़ी का। तो देखिए इसको खोले हैं तो प्लग इसका अभी सही है, इसको साफ़ करके लगा देंगे, बॉस का ओरिजिनल प्लग है। और यदि ये आप लोगों को ख़राब लगेगा तो इसको ज़रूर चेंज करें, यहाँ पे पॉइंट को इसको चेक करना है। देखिए ये पॉइंट है, ये ज़्यादा घिस जाने के बाद करंट का फायरिंग कम जाता है, यदि ख़राब लगे तो इसको चेंज कर लेना चाहिए। गैप को अच्छा तरीका से मिलाना है, इसको 0.10 mm पर इसको गैप को मिलाना है और फिर से प्लग को जो है
हम टाइप कर देंगे साफ करके। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। आपको हम चौथा स्टेप बताते हैं, जो इसका टैपेट को जरूर सेट करना है। इसका टैपेट जो है, कोई भी स्कूटी बाइक का यदि टैपेट टाइट हो जाने के बाद आपका बाइक बार बार बंद भी होने लगेगा और बार बार आपका प्रॉब्लम आएगा, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा। तो देखिए, ये दोनों बोल्ट को 10 नंबर का बोल्ट रहता है, इसको खोल के आसानी से इसका टैपेट को हम चेक कर लेंगे कि टैपेट इस देखिए ये खोल लिए हैं और आसानी से इसको निकाल लेना है और ये ब्रेदर पाइप को निकाल लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा कचरा है, इसका ओरिंग कटा हुआ है, ये हेड गैस्केट इसको चेंज करेंगे। इसका टैपेट को जो है क्लियरेंस रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, थोड़ा सा क्लियरेंस रहना चाहिए, 0.9 mm या 10 mm रख सकते हैं। और ये ज़्यादा टाइट हो जाएगी तो आपका गाड़ी माइलेज नहीं खींचेगी गाड़ी, तो ये टाइट नहीं रहना चाहिए। इसको मिला लेना है अच्छा तरीका से, टॉप पर करके इसको और आसानी से इसको मिला लेंगे। तो ये हमारा चौथा स्टेप हो गया। और पांचवा स्टेप जो है इसका, ये सेकेंडरी फिल्टर लगा होता है, देखिए आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए सेकेंडरी फिल्टर यहाँ से हम लॉक रहता है, नीचे स्क्रू एक रहता है, उसको खोल लेना है और देखिए यहाँ से सेकेंडरी फिल्टर को क्लीन करना है। तो इसको हम क्लीन कर लेंगे और आपका गाड़ी का इससे साउंड जो है अच्छा क्वालिटी में मिलेगा, अच्छा साउंड मिलेगा। गाड़ी का साउंड यदि सही रहता है तो गाड़ी का चाल भी सही रहता है और माइलेज भी सही रहता है। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देना है। 5 स्टेप हो गया और एक पूरा काम करने के बाद एक बार माइलेज को जो है अच्छा तरीका से सेट करना है, एयर मिक्सचर स्क्रू को, और यहाँ से इसको सेट करना है कि पेट्रोल और हवा का जो है मिश्रण सही से होगा, तभी तो आपका गाड़ी का माइलेज देगी। और पेट्रोल और हवा का मिश्रण सही नहीं होगा, ज़्यादा पेट्रोल का ये होगा तो आपका गाड़ी माइलेज नहीं देगी। इतना चीज़ कर लेने के बाद आपका स्कूटी जो है 100% माइलेज सही हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को हम 5-6 स्टेप आप लोगों को दिखा दिए, इतना काम करना है। उसके बाद दोनों पहिया का जो है ग्रीसिंग करना है अच्छा तरीका से, और बैरिंग को भी चेक करना है कि बैरिंग ख़राब है तो उसको ज़रूर चेंज करना है, उससे गाड़ी आपका जो है जाम चलेगी। पहिया को ज़रूर चेक करना है नचा करके कि पहिया जाम तो नहीं चल रहा है, पहिया फ्री रहना चाहिए। ज़्यादा ब्रेक टाइट हो जाने के बाद पहिया जाम चलेगा तो गाड़ी का माइलेज नहीं देगा, गाड़ी जाम चलेगी तो माइलेज नहीं देगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन किसी के पास स्कूटी होगा तो वो उसको ठीक करेंगे। तो मिलते हैं कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।